नमस्कार, द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज सुनिए मनु भंडारी की लिखी कहानी अकेली। सोमा बुआ जो बुढ़िया हैं, सोमा बुआ जो अकेली हैं। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी जवानी चली गई। पति को पुत्र का वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वह पत्नी और घर बार तज कर तीर्थवासी हुए, और परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों में उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यो हर साल एक महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता, और सन्यासी जी महाराज से यह भी नहीं होता कि दो मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गर्मी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी भी हुई है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस एक महीने में अन्य अवयवों के स्थिर हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं तो इन्हें सुहाता नहीं, कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं जानती थी कि ये पैसों का गुरूर है कि मुंडन पर सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। अरे एक काम गस से नहीं हो रहा था, अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी, मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया। अरे उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया, अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी। और भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि दो बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे ना पड़े, उसी समय मैदा सान कर नए गुलाब जामुन बनवाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं, कहने लगे अम्मा तुम ना होती तो आज भद उड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली, मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं, ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े, उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यो तो मैं कहीं आऊं जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों को कैसा बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यूँ भट्टी और भंडार घर सौंप दे, पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है, और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। अरे रोती क्यों हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है, सन्यासी महाराज एक महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या। अरे सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि एक महीने को तो आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते, मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं,
पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ रखो। सो तो इनसे होता नहीं, सारा धर्म कर्म ये ही लूटेंगे, सारा जस ये ही बटोरेंगे और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर से कहीं आऊँ जाऊँ तो वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वो तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। अरे बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए होंगे तो मैं भी मान करके बैठ जाती, फिर घर वालों का कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर भी ना जाऊँ और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊँ। मेरा अपना हरकू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरकू वैसा किशोरी लाल, आज हरकू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर अपना मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकियाँ लेने लगी। सूखे पापड़ों को बटोरते बटोरते स्वर को भर्षक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई हो। लो अब चुप हो जाओ, पापड़ भून कर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह साड़ी समेट कर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रही हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी हैं समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे, समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी के मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वह यह भी सुन आई कि उनके समधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारियाँ शुरू हो रही हैं, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे, क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रहा, रखे भी कौन, ये काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समधन ठहरी। भले ही संपर्क में ना रहे, कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है, दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। हे बुआ नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ, विधवा ननंद बोली। बैठे ही बैठे एकदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, हैं तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम। नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल की फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो ना हो। और बुआ बिना दो पल भी रुके बिना वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यूरी राधा, तू तो जानती है कि नए फैशन में लड़की की शादी में क्या क्या दिया जाता है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले, खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनने का समय तो नहीं रहा, 2 दिन बाकी हैं, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा, जेवर कपड़ा या श्रृंगार दान या कोई चांदी की चीज़ें। मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना, बस भद नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देख लूँ कि पहले रुपए कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियाँ हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपये, कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज़्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गई। रही संबंधियों के घर में इतने से रुपयों से तो बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर आ गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वह उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर उन्होंने 5 रुपये और वे अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्से को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति स्थिर। राधा के पास जाकर बोली,
रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें तो दो समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो, आजकल तो लेने देने का रिवाज ही उठ गया। अरे नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो अच्छा कि मैं ना जाऊं। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता चलेगा कि आई या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जाएंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध ही तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू ये अंगूठी ही बेच दे। और उन्होंने अपने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमेली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल संबंधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अत्यंत लाज ने उनके कदमों को रोक लिया, कोई देख लेगा तो? लेकिन दूसरे क्षण ही अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुँच गई और एक रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फेरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दिए दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और ये सोच सोच कर कि जब वे ये सब दे देगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलन सारिता की कितनी प्रशंसा करेगी। उनका मन पुलकित होने लगा, अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा? रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुँची, क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। अरे अम्मा, तुमने इसमें कल्फ जो नहीं लगाया, थोड़ा सा मांड दे देती तो अच्छा रहता, अभी दे लो ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, ऐन मौकों पर बुलावा आता है, 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जावेगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया, फिर एक नई थाली निकाली, अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिए का एक छोटा सा मेजपोश निकाला, थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाए, फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे और उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझ रखा है कि जो बिन बुलाए चली जाऊंगी? अरे वे पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देख कर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं, शहर वालों को बुलाएंगे और समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज़ लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा, 3? सर्दी में तो दिन का पता नहीं लगता, बजे 3 ही हैं और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि यह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाए खड़ी थी, उनके पीछे की रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था।
अभ्रक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया, बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयंत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों की चूड़ियाँ खोली, थाली में सजा हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।